जनाब, जैसा कि मेरे पास एक कमेंट आया था कि ये जो रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम निकली है यमुना अथॉरिटी की, ये अब ऑनलाइन प्रक्रिया, ऑनलाइन प्रोसीजर कर दिया गया है, तो इसकी एक खास वीडियो बनाएं। तो हाजिर है आप सभी के लिए एक खास ऑनलाइन वीडियो। बहुत ही सिंपल तरीके से ऑनलाइन प्रोसीजर मैंने इस पूरी कंप्लीट वीडियो में आपको बना के दे दिया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से, क्योंकि पैसे का मामला है, तो जरूर अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में मैंने शुरू से कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, कैसे डाउनलोड करना है, और उसके बाद कौन से पोर्टल पे जाके उसकी फीस सबमिट करनी है, और फीस सबमिट करने के बाद उसको कैसे वेरीफाई करना है, उस पेमेंट को, सारा का सारा एक छोटी सी वीडियो में आप सभी के लिए हाजिर है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो पसंद आए, क्योंकि पैसे का मामला है, एक रेजिडेंशियल प्लॉट का मामला है। पसंद आए तो अपने चाहने वालों तक जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बस यही मान सम्मान आपसे हमें चाहिए और मिल भी रहा है। तो वेलकम बैक, आप सभी का जोरदार स्वागत है मेरे चैनल प्रॉपर्टी ड्रीम्स में। जो पहली बार आए हैं भाई बंधु, जरूर मेरे चैनल प्रॉपर्टी ड्रीम्स को सब्सक्राइब कर ले। हमेशा खास अपडेशन हमारे पास से आपके कदमों तक पहुंचती रही गई रही है और आती रहेगी। इसी के साथ वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। देखिए जनाब, सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की साइट पे जाएं, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी.com टाइप करें। जब आप वो टाइप करेंगे, आपको राइट साइड में अप्लाई फॉर RPS 05/2021 स्कीम दिखाई देगी, उसको क्लिक करें। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुलेगी, उसमें एक यूजर नेम आपसे पूछा जाएगा, एक पासवर्ड पूछा जाएगा। लेकिन आप तो पहली बार आए हैं, तो आपको इसके लिए सबसे पहले साइन अप, सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। जनाब, जैसे ही आप साइन अप का बटन दबाएंगे, ये नई स्क्रीन खुलेगी। नई स्क्रीन में साइन अप में सबसे पहले आपको अपना नेम भरना है, अपनी ईमेल आईडी भरनी है, जो आपकी एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी है, याद रखिएगा अपनी वो ईमेल आईडी जो आप यूज करते हैं वो ही इसमें अपडेट करिएगा। इन केस आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो बहुत सिंपल तरीका है, ईमेल आईडी बनवाएं और इसमें डालें अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद जरूर फीड करिएगा, और उसके बाद फाइनली रजिस्टर वाला बटन इसको दबा दें। जनाब, जैसे ही आप सारी डिटेल्स इसमें भर लेंगे और उसके बाद ये रजिस्टर वाला बटन दबाएंगे, तो आपका इसी पोर्टल से आपके ईमेल आईडी, जो आपने इसमें ईमेल आईडी भरी है, उस पे आपका एक ईमेल आएगी। उसमें जो है यमुना अथॉरिटी की तरफ से आपका यूजर नेम और साथ में पासवर्ड आपकी उस ईमेल आईडी पे आ गया होगा जो आपने इसमें भरी होगी। तो ये वाली जो आपकी ईमेल आईडी है, अपनी वो ईमेल आईडी खोले, मेल खोले, उस मेल में जाके यूजर नेम और पासवर्ड निकाल लीजिए, और उसके बाद आपको दोबारा बैक टू द लॉगिन पे चल के दोबारा आपने उसको वहां पे यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और उसके बाद लॉगिन कर देना है। तो जनाब, जैसे ही आप उसमें लॉगिन करेंगे, इस तरीके का डैशबोर्ड आपका खुलेगा। तो आप ये मानिए कि आप इसके पोर्टल के अंदर चले गए। उसमें आपको चार चीजें मिलेंगी जनाब, एक डाउनलोड फॉर्म, एक इंस्ट्रक्शन फॉर्म, एक अप्लाई ऑनलाइन और एक वेरीफाई पेमेंट। तो आपको सबसे पहले इसको क्लिक करना है, डाउनलोड फॉर्म। आपको सबसे पहले डाउनलोड क्या करना है जनाब, फॉर्म। क्यों? क्योंकि जो फॉर्म है आपको पता है 500 रुपए का फॉर्म है, प्लस उस पर 18% GST है। तो जब तक फॉर्म नहीं, उससे पहले आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले आप फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप फॉर्म को डाउनलोड करेंगे तो एकदम से एक ये पेमेंट वाला गेटवे आपके पास आ जाएगा, जिसमें वो बोलेंगे कि आप अपना 500 रुपए प्लस 18% GST, मतलब टोटल 590 रुपए की आपकी कॉस्ट बनी। तो आप ये 590 रुपए इसको जमा करिए, आप इसको क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल इंस्ट्रक्शंस, इस बटन को भी आप टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक करेंगे, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसे प्रोसीड कर रहे हैं।
उसके बाद एक ये पोर्टल खुल जाएगा जो बैंक की तरफ से पोर्टल होगा, जहां पे आपकी जो फीस है, आपकी फीस आपको पे होगी। उसमें आप आपका अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आप अपना पेयर्स नेम आप डालेंगे, ऑप्शनल है, जो आप अपना जिस नाम से आप भर रहे हैं फॉर्म अपनी डिटेल डालेंगे, उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। आप ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी, किसी भी पेमेंट मोड से आप इसको कर सकते हैं। तो जो पेमेंट मोड आपका इसमें हाईलाइट होगा वो करके आप इसको प्रोसीड दबाएंगे। तो अब जैसे ही आपकी पेमेंट जैसे ही पूरी हो जाएगी, तो इसके बाद आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, आप वापस आएंगे, और डैशबोर्ड पे आप जैसे ही आएंगे तो इस तरीके की स्क्रीन आपकी आ जाएगी। इस स्क्रीन में आपको फॉर्म को फिर फाइनली डाउनलोड करना है, क्योंकि आप फीस अब पे कर चुके हैं। तो फॉर्म इसका जो आपके नंबर का जो फॉर्म नंबर है वो उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, वो आपकी आईडी दिखेगी, आपको रिफ्लेक्ट करेगी। तो आपका जो फॉर्म होगा वो किस तरीके से होगा, चलिए वो भी दिखा देते हैं। लेकिन उससे पहले, जैसे ही आप फॉर्म डाउनलोड का बटन दबाएंगे, उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन का बटन दबाना होगा। मींस आपका जो फॉर्म आपने डाउनलोड किया, उसके बाद जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, वो फॉर्म की स्क्रीन खुल जाएगी। ना फॉर्म की स्क्रीन कुछ इस तरीके से होगी, जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर बाय डिफॉल्ट आएगा, जो आपको अलॉट किया गया है यमुना अथॉरिटी से। आप उसमें अपना एप्लीकेंट नेम भरेंगे। याद रखिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, दोबारा सुन लीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सारे के सारे इसमें अपने अल्फाबेट्स अपने कैपिटल्स लेटर्स में भरने हैं, और जो भी नेम में कोई गैप है तो आपने जरूर उसमें गैप देना है। फॉर एग्जाम्पल, पंकज गुप्ता, पंकज में यहाँ पे आप डालेंगे, उसमें स्पेस देके गुप्ता जरूर करेंगे। ठीक है जनाब, तो एप्लीकेंट नेम अपना भरिए, उसमें डेट ऑफ बर्थ भरिए, फॉर्मेट जो दिया हुआ है, अगर आपका 10, 12 और 1985 है तो ये वो 10/12/1985 आएगा, वो भरिए। अगर कोई को एप्लीकेंट नेम है तो वो भरिए। उसके बाद अपना फादर्स नेम या हस्बैंड नेम भरिए, उसके बाद किसके वाइफ के हैं, डॉटर के हैं, किसके हैं आप वो भरिए। उसका कैटेगरी भरिए, जनरल SC ST जो है आप ये भरिए। उसके बाद आपका रिलेशन क्या है एप्लीकेंट से, अगर सेल्फ है तो सेल्फ भरिए। इसके बाद आप अपने अपना एड्रेस भर दीजिएगा, जो आपका एड्रेस होगा उसके साथ अपनी सिटी, उसका पिन कोड, अपना मोबाइल नंबर जरूर डालना बिना मत भूलिएगा, अपना ईमेल आईडी, और अगर आपका जो एड्रेस सेम है मेलिंग का और परमानेंट का, तो आप इसको जैसे ही टिक करेंगे वो सेम एड्रेस इस पे आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको भरने की जरूरत नहीं है। बस जनाब थोड़ा सा और है तो जरूर इसको मिस मत करिए। अभी थोड़ा सा पीछे का वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो अभी थोड़ा सा बने रहे। इसके बाद आप अपना मार्शियल स्टेटस अपना भरिएगा, सिंगल है या मैरिड है। उसके बाद सेक्स मेल फीमेल जो है, एज डालिएगा। अपना कैटेगरी ऑफ प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो आप चूज करेंगे उसी के हिसाब से आपका जो अमाउंट है अभी आगे, वो आपने रजिस्ट्रेशन मनी जो आपने जमा करनी है वो उसी के हिसाब से आपकी डिपेंड इस पे डिसाइड करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा आप कौन से कैटेगरी के प्लॉट को भरना चाह रहे हैं। उसके बाद पेमेंट प्लान मैंने आपको बताया है, पेमेंट प्लान 1, 2, 3 में से जो लेना चाहते हो लीजिए। और उसके बाद आप इसकी जो पेमेंट है वो कैसे कर रहे हैं, जैसे बैंक से आप कर रहे हैं तो वो आप अपना उसमें ये डालेंगे, अपना बैंक का डिटेल्स, और इसमें अपनी ब्रांच डालेंगे, इसमें अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, इसमें अपना IFSC कोड डालेंगे। ये सारी की सारी चीजें आपकी इसलिए डाली जाएंगी, इन केस आप अनसक्सेसफुल होते हैं तो उस समय पे आपका पैसा जो रिटर्न होगा आपके सीधा आपके खाते में, उसी खाते में वापस आएगा। तो जनाब ये अक्सर लोग गलत भर देते हैं, उनका पैसा वापिस खाते में नहीं आ पाता। तो जरूर अपना बैंक का नेम, ब्रांच और IFSC कोड विद अकाउंट नंबर हमेशा 2 बार टैली करें, उसके बाद इसे फाइनली सबमिट का बटन दबा दें। अब जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बारी आएगी। आपको ये बता दे, जिसका मैक्सिमम साइज अपलोड करने का है ये 2 MB का है, जिसमें सबसे पहले आप अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड का जो है PDF फॉर्मेट में, दोबारा सुन लीजिए, PDF फॉर्मेट में आपने डालना है, और कोई फॉर्मेट नहीं चलेगा। उसका साइज 2 MB तक होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप कोई दूसरी कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो भी आप PDF फॉर्मेट में दे सकते हैं 2 MB तक। और उसके बाद आपने जो है एक अपनी फोटो अपलोड करनी है,
वो भी साइज 2 MB तक, और एक सिग्नेचर आपने JPEG फॉर्मेट में देना है। आप समझ लीजिए, JPEG फॉर्मेट में सिग्नेचर और बाकी चीजें जो आपने अपलोड करनी है, पैन कार्ड वगैरह, वो PDF में। तो आप वो जैसे ही यहाँ पे चूज करेंगे फाइल को, यहाँ से आपकी जहाँ पे आपने सेव कर रखा होगा अपने कंप्यूटर में, वहां पे जाके ब्राउज करके आप इधर सिलेक्ट करिए और इधर चूज कर दीजिए, तो ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगी वन बाय वन। तो आपको ये चीजें जरूर देखनी है कि ये चारी की चारों चीजें अपलोड हो गई है। जैसे ही आप ये सारी की चारी चीजें यहाँ पे सिलेक्ट करके डाल देंगे, यहाँ पे फाइल का नेम रिफ्लेक्ट आपको शो करेगा, यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा, मीन्स अभी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं है। और उसके बाद आप अपलोड का बटन दबा देंगे। अब जैसे ही अपलोड का बटन दबाएंगे, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू जब तक नहीं करेंगे, आप आगे की स्क्रीन में नहीं जा पाएंगे। तो जनाब, जब आप कंटिन्यू करेंगे, तो आपका जो ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट है जनाब, ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट भरने की बारी आपकी आ जाएगी। तो जो जनरल कैटेगरीज वाले हैं, उनको इतनी पेमेंट देनी होगी और रिजर्व वालों को इतनी पेमेंट देनी होगी। क्योंकि आप फॉर्म में अपना अगर जो भी आप साइज भरेंगे, तो वो ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा प्लॉट का साइज, और आपको यहाँ पे जाके पे नाउ करना होगा। तो जैसे ही आप पे नाउ का बटन दबाएंगे, फिर वही चीज शुरू हो जाएगी। एक पोर्टल खुल जाएगा अलग से, जिसमें आप सिलेक्ट करेंगे ICICI बैंक को, और जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा। अब जैसे एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपका कोई भी इस टाइम पे जो आपकी जो पेमेंट टर्म्स में होगा, वो आपने एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि ड्यूरिंग द आपको पेमेंट चालान जब आप व्यू करना चाहेंगे, आपको जो पॉपअप है उसे अनब्लॉक करना होगा। ये आप चीज जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप उसे अनब्लॉक नहीं करेंगे तो आप विंडो को नहीं खोल पाएंगे। तो आप जैसे ही उसे एक्सेप्ट और प्रोसीड करेंगे, उसके बाद फिर पेमेंट मोड का स्क्रीन खुल जाएगी। आप इसमें अपना अमाउंट चेक करके आपने किस मोड से देना है, तो आप वो देख लीजिएगा। इसमें से कोई भी जो 4 मोड, अपना मोबाइल नंबर डाल के जनरेट चालान को प्रोसीड कर दीजिएगा। जैसे ही पेमेंट उसकी हो जाएगी, तो एक रिसीप्ट का फॉर्म एक ये इसमें शो होगा कि आपने इसकी पेमेंट दे दी है, जो एक NEFT चालान जनरेट हुआ है। इसके बाद आप फिर डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, वहां पे अब इस तरीके की डिटेल्स आने लग जाएंगी। उसमें आपको सबसे पहले एक जो प्रिंट है, आपको उसका फॉर्म जो आपने भरा है वो पूरा कंप्लीट सबमिट हो चुका है, तो आप उसको डाउनलोड करेंगे व्यू करके, और साथ में आपको चलान जनरेट करना होगा। तो ये दोनों प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है रिकॉर्ड के लिए। तो आप ये कैसे करेंगे, ये भी अभी आप देख लें। आपको अब सबसे लास्ट स्टेप वो है वेरीफाई पेमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से रिलेटेड है। तो आप ये जरूर देख ले, आपको जो आपने पेमेंट करी है वो वाकई में पेमेंट हुई भी है या नहीं हुई। आपके पास से तो पैसा निकल गया, लेकिन इसे आपको पर्सनली आपको चेक करना होगा, वो कैसे, ये देखिए इस वेरीफाई में। जैसे ही आप वो वेरीफाई पेमेंट का बटन जो भी आपने मैंने दिखाया था वो दबाएंगे, तो एकदम से ये पोर्टल आपका खुल जाएगा। इस पोर्टल में जनाब आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे, तो अपने आप वो आपसे बोलेगा कि आप इसमें अपना जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपने फॉर्म में भरा है वो इसमें आप भरिए। तो आप अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर इसमें भरेंगे। तो आप जैसे ही 10 डिजिट का मोबाइल नंबर भरेंगे, तो आपके पास उसके लिए 6 डिजिट का OTP आपके पास आएगा। आपको वो OTP यहाँ पे फिल करना होगा जनाब। आप जैसे ही OTP फिल करेंगे, आपके अपने आप ये विंडो जनाब, आपकी अपने आप विंडो यहाँ पे क्लिक कर जाएगी, और ये विंडो ऑटोमेटिकली खुल जाएगी, जिसमें आपका आपका जो आपने जो ब्राउचर की आपने जो फीस पे करी 590 रुपये, और साथ में आपने जिस भी स्कीम में जो प्लॉट में आपने अमाउंट दिया, जो जमा करा, वो दोनों की दोनों चीजें राशि आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगी। उसके बाद आप इन दोनों को यहां से चलान को जनरेट का बटन को दबा के दोनों को वन बाय वन अपना इसका प्रिंट निकाल के अपने पास सेव करके रख लीजिए, और चैन की नींद आराम से सो सकते हैं। अब आपका जो कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है, यही कंप्लीट प्रोसेस है इस यमुना अथॉरिटी RPS 05 2021 की नई रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम का ऑनलाइन प्रोसीजर, जो मेरे पास से आपके कदमों तक पहुंच गया है।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। सरल, सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से वीडियो मैंने आप सभी को पहुंचा दी है। तो चलिए, अब जाने का वक्त आ गया है। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। लेकिन क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक इंसान के लिए, पैसे का मामला है, गलत चीज ना हो जाए, पैसा फंस ना जाए या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, इसीलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर इस वीडियो को अपने चाहने वालों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि हर इंसान जिसका प्रॉपर्टी बनाने का सपना है वो साकार हो, हर इंसान उन्नति की राह पे चले, यही मेरी दुआएं हैं। और हैप्पी क्रिसमस आप सभी को मेरी तरफ से। नया साल भी आपके पास बहुत जल्द आने वाला है। उम्मीद करता हूँ, दुआएं करता हूँ कि आप सभी का नया साल जगमगाए, आपकी जिंदगी चार कदमों से और बहुत ऊंचाइयों के स्तरों तक आपकी जिंदगी पहुंचे। बस इसी शुभ कामनाओं के साथ मिलूंगा बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अब दीजिए मुझे इजाजत, चलता हूँ, गुड बाय, धन्यवाद।